एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हो और विवान ना मेरी बिंदी निकालने के लिए आ रहा है। बस बिंदी लगाना ही नहीं पड़ता है, पूरे दिन बिंदी लगाती, पूरे दिन भाई साहब बिंदी निकाल देते। क्या हुआ? कामयाब हो गए आप अपने बिंदी निकालने में। हाँ, चुच्चे की पार्टी। तो निकाल दी इसने बिंदी। बाकी पिछले कल जो मैंने बताया था कि मेरे साथ हादसा हो गया, तो उस वाले उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि अपना ख्याल रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, इतना आप लोग सोचते हो किसी और के बारे में। और बहुत खुशी हुई जब कमेंट पढ़ा कि नहीं, कोई अनजान इंसान भी किसी अनजान इंसान के लिए सोच सकता है। तो ये चीज़ देख कर बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। बाकी कुछ नहीं, आपको कोशिश करूँगी कि पूरे दिन क्या होता है वो सब शेयर करूँ। ऐसे तो मैं शेयर करती हूँ, बट हम दोनों खेलेंगे आपस में। तो बाकी कुछ दिनों में मैं कहीं जाने वाली भी हूँ, कुछ दिन में शायद आपके लिए घर से बाहर निकलने वाला व्लॉग भी आता है, क्योंकि घर के अंदर ही अंदर बहुत हो गया, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। विवान बड़ा हो रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है। मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग में लग ही जाएगा पता। नो टिम टिम, नो 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 नो, टिम टिम मत दबाओ। तो टिम टिम ना खुद ही छोटा है और खुद ही जाके सीधे विवान को दबा रहे, विवान के ऊपर बैठ के। तो अभी तो इनको शोर चलेगा, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और पैक कर लेती हूँ लंच वगैरह। बाकी मैं आपसे थोड़ी देर, पिछले कल मैंने एक रेसिपी देखी थी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। मैंने ऑनलाइन दिखा था, ऑनलाइन देखा, इंस्टाग्राम पे दिखा था। क्या हुआ विवान को? तो टाइम टाइम अच्छी होती है। तो मैंने थोड़ा सा घी को मतलब मेल्ट कर लिया, वो मैं इस पर डालने वाली हूँ। और उसके बाद मैं लूँगी कस्तूरी मेथी थोड़ा सा, और फिर लूँगी मैं इसमें मेरा मसाला दानी पे मैसी मैसी सा हो गया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी देगी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, और अजवाइन है तो ठीक है, अदरवाइज़ जीरा ले सकते हो। तो ये, और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और पूरा फैला लेना है। और कोई पतली सी रोटी बेल ली है, सीरियसली मैंने पतली सी एक रोटी बेली है, और उस पर फिर इसको घी लगा के अच्छे तरीके से फैला लेना है, जितना फैला सकते हो उतना फैला लेना है। तो फिलहाल तो मुझसे इतना ही फैल रहा है, और वो थोड़ा सा घी लगाऊँ सोच रही हूँ, तो यहाँ से लगा देती हूँ घी को मैं यार हाथ से। तो ये थोड़ा मेल्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से, तो इसको मैं ऐसे लगाती हूँ और देखते हैं कैसा बनता है। तो इस तरीके से डाल के अब इसमें क्या करना है, आपने ये अच्छी तरीके से फैल चुका है, और अब इसमें डालना, इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको काटना है एक तरीके से, मतलब कि ऐसे करना है आपको बराबर बीच से। मेरे हाथ में एक तो मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, तो हाथ भी नहीं है, बट चलो आपके साथ शेयर करना था। तो एक साइड से आपने इसे काट लेना है, और उसके बाद आपने, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ, और इस तरीके से, हाँ शायद थोड़ा सा कम हो गया, इस तरीके से ऐसे, अच्छा मैं खोलूँगा आपको दिखा, तो इस तरीके से, और फिर यहाँ से इधर, और कुछ हो रहा तो है, परफेक्ट परफेक्ट सर, यहाँ से इधर, और ऐसे करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही गया। तो मैं इसको बेलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मैं बेल चुकी हूँ और मैं ढाल भी चुकी हूँ उसमें। तो इसको अच्छे तरीके से नीचे एक वाली साइड से पकाएंगे, फिर दूसरी वाली साइड से पकाएंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये अच्छे तरीके से पक चुका है, और इसमें अब मैं डालूंगी घी, और घी लगा के मतलब तेल की जगह मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप तेल भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। पहले मैं घी डाल देती हूँ अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं कैसा बनता है। तो ये तो हो गया तैयार, बंद कर देते हैं और बता देते हैं। और इसकी एक अच्छी चीज़ बताओ मेरे को, क्या अच्छी लगी, यहाँ देख सकते हो ये खुल रहा है, यहाँ देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, यहाँ से अंदर भी जो स्टफिंग है जो कि हमने वो दिख रहा है। अच्छा तो ये बना सकते हो यार, इसमें बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा बना हुआ है, और बहुत टेस्टी सा भी लग रहा है, यहाँ देख सकते हो पूरी तरीके से खुल रहा है, और इसमें बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो अभी जाके मैं वापस आई हूँ विहान को स्कूल बस में छोड़ के, और आज तो बहुत खुश था और बहुत खुशी खुशी गया हुआ है, बट बोल रहा था कि दिन को लेने के लिए आने के लिए। तो हम मैं सोच रही हूँ दीपक को भेजूँगी, क्योंकि बच्चे के मन में ही रहता है ना कि हाँ मैंने बोला और नहीं आए, तो अगर जाएंगे तो उसके मन को भी थोड़ा दिलासा सा मिल जाएगा। तो मैं दीपक को भेजूँगी आज, और तब तक जब तक मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तब तक पापा ने देखा विवान को, और फिर विवान भी मज़े में था, बाहर छोड़ा हुआ था उसको, और
बाकी पराठे की रेसिपी कैसी लगी बताना, बहुत सिंपल सा तरीका था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा बना। तो फटाफट से कभी बहुत जल्दी हो तो ऐसे बना सकते हैं, बहुत इजी सा था। ऊपर से उसमें घी लगा था तो बीच से जो लेयर थे उसके ऑयल, बीच में ऑयलिंग हुई थी ना तो बीच में ऐसे तो पराठा खुल रहा था, मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सच में वैसी जैसा मैंने देखा था सेम एज इट इज़ वैसी ही बना था, तो अच्छा लगा। बाकी अभी ट्राई करना और जब ट्राई करोगे तो कमेंट करके बताना। बाकी फ़िलहाल मैंने मैक्रोनी उबाल के रखे हैं, अभी बनाऊंगी मैं क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैक्रोनी खाने का। पिछले बार बनाया था, बहुत टेस्टी बनते हैं, मैंने सोया सॉस वगैरह लगा के बनाया था उस टाइम पे। तो अभी भी मैं जाऊंगी और मैक्रोनी बनाती हूँ, रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी। हाँ, बनाने के बाद मैंने कैसा बनाया मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी जाती हूँ और मैक्रोनी बनाती हूँ और जिन्होंने कोफ्ते खाने चपातियों के साथ उनके लिए कोफ्ते तो है, चपाती बनाऊंगी। बाकी देखते क्या रहेगा दिन भर का। कोफ्ते वाली रेसिपी आपने देख ली, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप सोच रहे होंगे कि टमाटर के बाद मैंने क्या डाला, तो टमाटर के बाद मैंने डाला था बेसन को पानी में घोल के। अच्छा, आप नॉर्मल वाटर लो या फिर वार्म वाटर लो, जैसा भी लो, आप सिर्फ घोलने से मतलब आपको उसमें अच्छे तरीके से घोल लेना और फिर टमाटर अच्छे से होने के बाद आपने डाल देना ताकि जो ग्रेवी है वो ठीक हो जाए। तो मैं डालने के बाद उसको उबालना भी अच्छे तरीके से, वरना अदरवाइज जो कच्चा टेस्ट होता है बेसन का वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है, और साथ ही साथ आज घर पे कोई भी नहीं है, फिर अगेन हमेशा ऐसे ही होता है, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। तो अभी मम्मी वगैरह गए क्रियाक्रम, गांव में क्रियाक्रम में मम्मी गए वहाँ पे। और बाकी किसी ने कमेंट किया था कि आपका फ़ोन कौन सा है क्या है, तो मेरा फ़ोन मोटो G60 है। और साथ ही साथ अगर मतलब अगर आप भी लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसमें जब आप स्टेबिलिटी ऑन रखते हो तो आपके साथ ये मूवमेंट करता है फ़ोन, मतलब कैमरा या देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, इस साइड में ये दिख रही है लाइन, यहाँ देख सकते हो, इधर होगी तो अपनी दिख रही है, इधर जाऊँगी तो दिखेगी। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक ये अपने साथ मूवमेंट करता है। बाकी हाथ में तो हूँ यहाँ पर, मैं नहीं करी कुछ भी। तो ये मेरे को किसी ने बताया कि दी आपका कैमरा आपके साथ मूवमेंट कर रहा है इधर उधर को, तो मुझे बता रहा कि नहीं सच में ऐसा हो रहा है। बाकी चलो ये तो रही एक बात, और एक कमेंट आया था कि आप बहुत बाकी 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 करते हो बात बात पे। तो एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊँ कि मैं बाकी बाकी, मुझे पढ़ के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ सोच समझ के नहीं करती हूँ। मैं कुछ व्लॉग बनाती हूँ, कुछ बोलती हूँ, मैं 10-12 रिटेक्स नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे इतने बार कर करके फिर जाकर बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं जैसी बनाती हूँ वैसी वैसी मैं अपलोड कर देती हूँ, और बाकी 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 जो है वो मुँह से निकल जाता है आपको स्लो फ्लो, मतलब पता नहीं चलता कि मैं बाकी बोल रही हूँ, बाकी फिर अगेन बाकी बोला। तो ये चीज़ ऐसी कि नेचुरल है, मैं नेचुरली बोलती हूँ, बाकी जो भी है मैं बनावटी कुछ नहीं बोलती, ना मैं बनावटी चीज़ें करके कुछ दिखाती हूँ किसी को, जो है वो वैसा ही है। और अब मैं ये बोलने के बाद भी को सारे कमेंट करेंगे दीदी रैन तो ऐसे कमेंट करने वालों को, बट ये बताना उनको ज़रूरी था कि मैं कोई चीज़ें बनावटी नहीं करती, जो है वो है, और मेरे मुँह से अपने आप बाकी निकलता, मैं कोई सोच समझ ही नहीं होती कि मैं बाकी बोलूँ या ऐसा बोलूँ, तो और बाकी मेरे मुँह से निकलता है। और बात करते हैं नॉर्मली चीज़ है कि हाँ बाकी रही बात ऐसी, बाकी रही बात वैसी, तो वो तो निकलता ही है, नॉर्मल है। बाकी
सोचने वाले पे है बाकी क्या कर सकते हैं, फिर बाकी निकला। हाँ चलो बाकी फिलहाल ब्रेकफास्ट बना लेते, बाकी तो निकल रही है ये बाकी तो कैसे डी डी देगा, बाकी तो बाकी ऐसी है तो जो भी है। मेरे को तो बहुत हंसी थी जब मेरे को कुछ ऐसा छूटता, तो चलो फटाफट बना लेते हैं बाकी क्या बनाते देखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हेलो हेलो, तो खाने में बनाया आज पुलाव और दीपक को मैं ये खाना खाने वाला और कोई नहीं है, तो मैं जाती हूँ बाकी मिलते आपसे थोड़ी देर में। बच्चा पार्टी देख सकते हो, यहाँ पे बुक्स निकाल दिए और विवान ने सूसू किया तो मैं उसके पजामे निकाल दिए और भाई सब तो यहाँ बैठे कपड़े चेंज करके, और एक वहाँ देख सकते हो वहाँ ना, तो वहाँ क्या कर रहे हो आप, हाँ आज के लिए बहुत काम करने लगा है ना, शूज़ निकाल दिए सारे के सारे। बस भाई विवान खड़े हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना शरारत करो हैं गंदे बच्चे, कहाँ है गंदे बच्चे, आटे की जूते क्यों निकाल रहे हो, हाँ लगी नहीं लगी, चलो 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 परे चलो। तो मैं उसको लेके जाती हूँ और होमवर्क कराती हूँ, इसको नहीं उसको कराती हूँ। पापा जा रहे हैं घूमने, कहाँ चले गए पापा, शाम में लोग नहा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं है, हमें लगा नहा दो कि कहीं जा रहे होंगे, है ना टिमो, अच्छा का। किसका बॉडी, आकाश बॉडी भी है इसका, बॉडी का इतना नीचे ब्लू आता है, अच्छा इसका आइसक्रीम क्यों खाने, इसका आइसक्रीम क्यों खाना है, मतलब मैं समझी नहीं, बॉडी नहीं हो रहा है, बॉडी बनाना है मामू जाना बॉडी बनाने, ठीक है चलो अभी जाएंगे मामू को, अभी शाम जाएंगे ना मम्मी के, कहाँ जाएंगे, सुबह से, अच्छा बॉडी इतना सा बॉडी, अच्छा बॉडी, अच्छा अभी मैं जा रही हूँ नीचे आटा लेने के लिए, थोड़ा पीछे आती हूँ क्योंकि रोशनी आ रही है फेस पे, तो लोग सोचेंगे क्या करी बाहर, तो आज के व्लॉग के एंडिंग में यहीं करती हूँ क्योंकि आज था कुछ ऐसे वैसे दिन ही, बाकी देखते कल कुछ इंटरेस्टिंग रहता है या नहीं, बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।